गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ रचना गुप्ता। आज से जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, तो मैं आपको टीच कराऊंगी मैथ। और आज का वर्क ये देखते हैं, आज ये हमारी जो मैथ की बुक सेलेक्ट की गई है वो इस तरीके से ये देखिए ये है। तो सभी बच्चों से मैं यही कहूंगी कि अपनी बुक्स को निकाल के बैठें, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो परचेज करें जल्दी से जल्दी। तो ये देखिए हमारा इसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है, लर्निंग बेसिक। जैसे कि हम सब जानते हैं बेसिक चीज़ें अभी हम होमवर्क में करके ही चुके हैं, जब हमारा सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ था। अब ये सिलेबस स्टार्ट हो गया है तो यह हम बेसिक का रिवीजन फिर से हो जाएगा एक और बार फिर से। तो ये देखिए हम जो काउंटिंग सीखते हैं 1 to 10 काउंटिंग सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उनको हम अपने हमारा जो हैंड है उसमें जो फिंगर है उसके हिसाब से भी सीखते हैं। जैसे हमने अपना हैंड लिया और हैंड को इस तरीके से फिंगर दिखाई और वन, जैसे कि यहाँ ये शो किया हुआ है वन फिंगर, इट्स मीन ये है वन, तो यहाँ हम लिखेंगे वन। ऐसे ये देखिए यहाँ पर टू फिंगर शो हो रही हैं, तो इसका मीन्स हो गया टू, तो यहाँ आ जाएगा आपका टू। इसी तरीके से 1 2 3, तो यहाँ थ्री आ जाएगा। तो जितनी फिंगर दिखाई जा रही हैं हाथ में उतने ही यहाँ पर काउंटिंग हम लिखते चलेंगे। अब जैसे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ हम लिखेंगे फोर। अब इसने सारी फिंगर्स ओपन कर दी अपने हैंड की, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारी सारी हाथ की मिला के कितनी फिंगर्स हो गई, फाइव। तो हम यहाँ काउंटिंग में लिख देंगे फाइव। ऐसे ये देखिए अब हमारा वन हैंड कंप्लीट हो गया, हमने सेकंड हैंड की वन फिंगर ली, तो ये फाइव थी और ये हमारी वन हो गई। तो अब वन फाइव आफ्टर क्या आता है, सिक्स, तो इसका मतलब ये सिक्स हो गई। ये देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 और एंड सिक्स, तो यहाँ सिक्स लिख देंगे। इसके आगे देखते हैं फाइव सिक्स और यहाँ एक और बढ़ गई, तो ये क्या हो गई, सेवन। इसी तरीके से इसमें अब ये देखिए यहाँ वन थी, सेकंड हैंड में वन थी, यहाँ सेकंड हैंड में टू है, यहाँ सेकंड हैंड में थ्री है, तो यहाँ फाइव वन प्लस सिक्स, फाइव टू प्लस सेवन, फाइव थ्री प्लस एट और फाइव फोर प्लस नाइन। ये इस तरीके से आपकी 1 to 9 काउंटिंग है जो आपको अच्छे से फिंगर को काउंट करके यहाँ काउंटिंग लिखनी है। तो ये देखिए इसके अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या है 1 to 9, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन एंड राइट इट इन द प्लेस होल्डर। अब ये क्या करना है, इन ये जो कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इनको हमें काउंट करना है, और आफ्टर देन उसका ये प्लेस होल्डर दिया है उसमें हमें डिजिट लिखनी है जितनी काउंटिंग आती है। तो ये देखिए 1 2 3, ये थ्री है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, थ्री। इसी तरीके से इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5, 1 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ सिक्स आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी आपको काउंट करके लिखना है। तो ये देखिए ये नॉर्मल सा बेसिक वर्क है जिसको आप आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हम वर्क और आगे बढ़ाते हैं। और ये देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये टॉपिक दिया गया है काउंट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन एंड द राइट इन इट द प्लेस होल्डर। सेम वर्क, यही यहाँ पर भी वही सेम वर्क है, सेम प्रोसेस है, जिस तरीके से हमने यहाँ काउंट करके डिजिट लिखी है वही प्रोसेस यहाँ आपको अपनाना है, और आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनको काउंट करना है और काउंट करके यहाँ पर आपको डिजिट लिखनी है। ये देखिए यहाँ पर जैसे थ्री है, टू है, फाइव है, और इनको काउंट करके ये प्लेस होल्डर आपका दे रखा है सर्किल बना हुआ, इनमें आपको फिल करना है। अब ये देखिए यहाँ और ये और एक और वर्क देख लीजिए, बहुत सिंपल सा वर्क है। यहाँ आपका पेज टू पार्ट में डिवाइड किया है, और टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और ये भी ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है वन। इसका मींस क्या है कि इन ऑब्जेक्ट्स में से जो वन हो उसको हमें वन से मैच करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम ये देखेंगे, यहाँ टू है, थ्री है, सिक्स है, थ्री है, सॉरी फोर है या फाइव है, ओनली इस बॉक्स में वन एलिफेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वन है और ये भी वन है,
तो इसे इसलिए इसे यहाँ से मैच कर दिया इन्होंने। ऐसे नीचे देखिए हाफ, नीचे जो हाफ वन है इसमें ये देखते हैं, यहाँ बीच में जो डिजिट लिखी हुई है वो है 2, 1, 2। ये हमने जैसे अपने फिंगर से काउंट करी थी 1 और 2, ऐसे ही हम इन ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे 2 काउंटिंग कहाँ पर है। तो ये देखिए हमें नॉर्मल देखेंगे तो हमें हम समझ में आ जाएगा ये यहाँ ये 2 ऑब्जेक्ट है 1, 2, तो इस 2 को इस 2 के ऑब्जेक्ट से मैच कर देंगे। इसी तरीके से ये देखिए बेटा इस पेज में भी सेम वर्क है, ये भी सेम वर्क है और ये 10 तक। तो इट्स मीन आपको ये यहाँ तक आपका होमवर्क है जो आपको अभी बुक में ही करना है, ये होमवर्क है। और आप बाकायदा डेट डाल के अपना होमवर्क करें बुक में करेंगे अभी, और बुक में भी आप डेट डाल दें इन पेजेस पर कि ये इस पेज ये पेजेस इस डेट में क्लियर हो चुके हैं। ओके बेटा, तो ये आज आपका वर्क है, आगे कल वर्क स्टार्ट फिर करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।